हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आपने कुछ दिनों पहले मेरे वीडियोस में देखा होगा, मैं आर्ट कॉर्नर गया था जो सियालदा में, जो आर्ट शॉप है हमारे कोलकाता में, वहाँ से मैं ये चाइनीज़ ब्रश लेके आया था। तो आज के इस वीडियो में मैं इन चाइनीज़ ब्रश का रिव्यू करने वाला हूँ। ये चाइनीज़ ब्रश कैसे है, बहुत लोग यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा वाटर कलर के लिए भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। मैं अभी पहले एक चाइनीज़ ब्रश यूज़ करता था वुल्फ हेयर का, लेकिन ये वाला गोट हेयर का है, बहुत ही सॉफ्ट ब्रश है। तो आज इसका रिव्यू करेंगे, तो आप वीडियो को देखते रहिए, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको ये ब्रशेस अच्छे से दिखा देते हैं। तो इस ब्रश का हैंडल थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है नॉर्मल ब्रशेस के मुकाबले, और ये बैम्बू का भी होता है, लेकिन मेरे वाले में ये प्लास्टिक का हैंडल है, और इसके हेयर्स गोट हेयर है। गाइस, आप देख सकते हैं इस ब्रश के पीछे कुछ लिखा हुआ है, शायद चाइनीज़ में लिखा हुआ है, लेकिन मैं उतना भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं इसे पढ़ सकूँ, तो इसे छोड़ देते हैं और अपने ब्रशेस को निकाल लेते हैं पैकेट से। यहाँ पे जो पैकेट दिया गया है बहुत ही अच्छे क्वालिटी का पैकेट है, एक रबर टाइप का प्लास्टिक है और उसमें ये ब्रशेस आते हैं, तो इस पैकेट में भी मैं ब्रशेस को कैरी कर सकता हूँ। तो ब्रशेस के ऊपर प्लास्टिक के कुछ कैप्स आते हैं जिससे इन ब्रशेस का शेप नहीं बिगड़ता, तो इसे मैं खोल लेता हूँ, कुछ इस तरह है, आप देख सकते हैं। तो इसे मैं साइड में रख देता हूँ अभी। तो गाइस, आप देख सकते हैं ब्रिसल्स, वाइट कलर के ब्रिसल्स है गोट हेयर के। तो इसके ऊपर ग्लू का कोटिंग है, इसकी वजह से ये ब्रिसल्स अभी हार्ड है, तो इसे पानी से धोना पड़ेगा अच्छे से। देख पा रहे हैं आप, बहुत ही हार्ड है। तो अभी मैं इसके ऊपर के ग्लू के कोटिंग को पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेता हूं, थोड़ा थोड़ा प्रेशर दे रहा हूं। बहुत ही लाइटली थोड़ा थोड़ा प्रेशर दे रहा हूं। और इसमें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करूँगा क्योंकि ब्रशेस के ब्रिसल ख़राब हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये ग्लू हट जा रहा है, तो अभी इसे थोड़ा प्रेस भी करेंगे उंगलियों से, लेकिन ज़्यादा हार्डली नहीं। तो अभी मैं बाकी दो ब्रशेस का भी ग्लू के कोटिंग को वॉश कर लूंगा पानी से। तो यहाँ पे मेरा ब्रश रेडी है और आप देख सकते हैं बहुत सारा पानी कैरी करता है ये ब्रश। तो अभी दिखाते हैं आपको कलर से। तो यहाँ पे वॉश तो बहुत ही अच्छा हुआ है इससे, और पतली पतली लाइंस भी बहुत ही अच्छी तरह से बन जाती है इससे। तो इसे अभी साफ कर लेते हैं। ये वाला सबसे बड़ा वाला ब्रश है गाइस, तीनों ब्रशेस में साइज का ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये वाला सबसे मोटा ब्रश है। तो ये भी काफी वाटर कैरी कर सकता है। तो अभी मैं कलर को मिक्स कर रहा हूँ पानी से, और अभी देखेंगे कि ये एक बार में कितना पानी कैरी कर सकता है। तो गाइस, आप देख सकते हैं लगभग मेरा स्केचबुक का ये पेज पूरा ही फिल हो चुका है, और इससे भी पतले पतले लाइंस बहुत ही अच्छी तरह से बन जाती है। लेकिन गाइस, बिगिनियर्स के लिए ये ब्रश हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। मुझे भी पहले पहले ये ब्रश हैंडल करना उतनी अच्छी तरह से नहीं आता था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत यूज करने के बाद थोड़ा बहुत आता है। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे पत्ते भी बना रहा हूँ इससे।
तो फाइन लाइन भी आप इससे कर सकते हैं गाइस, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। तो इसे मैं अच्छी तरह से साफ कर लेता हूँ। हर बार ब्रशेस को यूज़ करने के बाद अच्छी तरह से साफ करना होता है, क्योंकि नेचुरल हेयर ब्रश है और इसमें हेयर फॉल हो सकता है। तो ब्रशेस के हेयर फॉल के ऊपर मेरा एक वीडियो है, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं कि आप कैसे ब्रशेस के हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो अभी मैं इसका भी एक ट्रिक बता देता हूँ कि इसके हेयर फॉल को कैसे कंट्रोल करते हैं। मैंने कुछ वीडियोस में देखा है कि चाइनीज़ ब्रश को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो उसी से मेरा ये नॉलेज हुआ है, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जितना मेरा नॉलेज है। तो मैंने वाइट कलर का धागा लिया है क्योंकि मेरे ब्रशेस के ब्रिसल्स वाइट है, तो ज़्यादा पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर इस धागे से रोल कर दूंगा। और मैं इसको ज्यादा टाइट नहीं करूंगा, थोड़ा सा टाइट रखूंगा ताकि इसके ब्रिसल्स एक साथ रहे। थोड़ा सा रोल करके अभी इसमें एक नॉट बांध देंगे। थोड़ा कैमरा का फोकस का प्रॉब्लम है, एक ट्रिकी पार्ट है गाइस ये, तो इसलिए कैमरा का फोकस थोड़ा बिगड़ गया। तो एक हाथ से मैं कैमरे को ऑपरेट कर रहा हूँ और फिर मैं इस ब्रश को भी बांध रहा हूँ धागे से, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो हुआ है गाइस। तो मैं एक और ब्रश आपको दिखा देता हूँ, इस वाले ब्रश मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो फिर से वो धागा ले लिया व्हाइट कलर का, बहुत ही पतला धागा है। तो अभी आप देख लीजिए कैसे मैं करता हूँ गाइस। ये वाला ट्रिक मैंने एक वीडियो में देखा था कि एक चाइनीज ब्रश के साथ एक आदमी ने ऐसा किया, तो मुझे भी लगता है कि ये करने से ज़्यादा हेयर फॉल नहीं होगा ब्रशेस का, ब्रिसल्स एक साथ रहेंगी और ब्रिसल्स के गिरने का चांसेस थोड़ा कम हो जाएगा। मेरे पहले वाले चाइनीज ब्रश में भी मैंने ऐसा ही किया था, जो मेरा वुल्फ हेयर चाइनीज ब्रश था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। तो इसे कुछ इस तरह से मैं नॉट बांध दूंगा इसके ऊपर। तो गाइस आप देख सकते हैं वाइट धागा होने की वजह से पता भी नहीं चल रहा कि मैंने बांधा है इसे, अगर आप गौर से देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। तो गाइस देखिए मैंने इसे बांध दिया है और ज़्यादा पता भी नहीं चल रहा है। तो तीनों ब्रशेस में ही मैंने ऐसा कर दिया है। और गाइस ये वाला मेरा पुराना चाइनीज ब्रश है वुल्फ हेयर का, तो इसका कैप हटा लेते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने धागे से इसको बांध के रखा है। मेरे पास एक और चाइनीज ब्रश है बैम्बू ब्रश, इसे मैंने ज्यादा यूज नहीं किया है, जस्ट मुझे देख के अच्छा लगा था तो मैं खरीद के ले आया। तो गाइस यही कुछ है मेरे चाइनीज ब्रशेस, इतने ही चाइनीज ब्रशेस है मेरे पास, टोटल 5। अभी फ्यूचर में और भी आ सकते हैं। और गाइस इन तीनों ब्रशेस का प्राइस मुझे पड़ा है 300 रुपीज, आर्ट कॉर्नर से लिया है मैंने। तो गाइस आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं चाइनीज ब्रशेस को, ऐसे ही प्राइस में आपको चाइनीज ब्रशेस मिल जाएंगे ऑनलाइन भी। तो गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे नए नए वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।